अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका फिर एक बार वेलकम करता हूँ। तो आज हम आए हैं द्रास के बम्बड़ ब्लॉक में टोको विलेज के पास। तो आप देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पे 50+ बच्चे जो है आज का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ बुज़ुर्गों से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि पहले ज़माने में यहाँ पे एक पोलो ग्राउंड हुआ करता था, जो आप देख सकते हो इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे पोलो ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ के लोगों ने अपने बच्चों के टैलेंट्स को देख के, यहाँ के पब्लिक और यहाँ की पंचायत ने मेहनत करके एक छोटा सा आइस स्केटिंग रिंग बनाया है, जिसमें ये सारे बच्चे जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। देना चाहेंगे कि इन बच्चों में टैलेंट जो है भरा हुआ है, तो इस टैलेंट को आगे शो करने की, इनको बूस्ट करने की हमें ज़रूरत है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी लद्दाख से, कि जगह जगह ग्राउंड्स हो और जो छोटे मोटे ग्राउंड्स हैं उनका मेंटेनेंस हो, ताकि ये बच्चे आने वाले फ्यूचर में सिर्फ द्रास का नहीं पूरे लद्दाख का एक मॉडल बन के सामने आ जाए। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि छोटे मोटे ग्राउंड्स को मेंटेनेंस करें और बच्चों के टैलेंट को देख के उनको बूस्ट करने की ज़रूरत है। माइनस 20 में भी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, जो इनके अंदर जो पैशन है, जो टैलेंट है, सर्दी की कोई फील नहीं करते, ये लोग इतनी मेहनत से यहाँ खेल रहे हैं। तो हम आपको सीधे लेके चलते हैं कुछ बच्चों के पास, उनसे पूछते हैं कि उनका मकसद क्या है, उनका गोल क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहें। साथ एक अभी हमारे साथ एक प्लेयर जुड़े हैं, तो हम इससे पूछेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप कहाँ से हो और कौन सी टीम से। मतलब मैं लिंगूर बिल्बर्ट से हूँ और मैं हिमालयन बॉक्स का प्लेयर हूँ। तो हमारा ग्राउंड फिलहाल तो बना नहीं है, तो हम काफ़ी दूर आए हैं, 3 किलोमीटर बिल्बर्ट से यहाँ आए हैं खेलने के लिए। तो अगर वहाँ पे होता तो सही होता हमारे प्लेयर्स के लिए भी, प्रैक्टिस रोज करते हैं, ठंड भी अच्छी है और साथ ही प्लेयर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। विंटर सपोर्ट सबसे बेहतर गेम है, खासकर द्रास के नौजवानों के लिए जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडिया टीम के लिए, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। आपके के माध्यम से आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या कहोगे, मतलब इन यूथ को लेकर जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से हमारे लिए ये ग्राउंड का ये ग्राउंड अच्छे से बनाए और रूफ प्रोवाइड करे, क्योंकि द्रास में तो पता ही बर्फ ज़्यादा ही होता है, उसके कारण हमें ज़्यादा खेल खेलने को मिलता ही नहीं। तो हमारे साथ कुछ छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी जुड़े हैं, जो जिनको छोटे प्लेयर्स भी कहा जा सकता है। तो मैं सबसे पहले नन्हे प्लेयर का नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार हुसैन। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ खेल के? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ठंड नहीं लगती है? अंदाजा लगा सकते हो जो जिस हिसाब से बच्चे बता रहे हैं कि जोश में गेम के, इसमें हमें ठंड का पता नहीं चलता है, तो हम पूरी माइनस टेम्परेचर में भी ये लोग यहाँ पे खेलने आते हैं। सर, मेरा नाम अनवर। तो अनवर, आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये खेल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अनवर, जो आपने शूज लाए हैं आइस हॉकी के, ये आप खुद ने लाए हैं या किसी ने दिया है? मैं खुद लाया।